आखिरी बयान है हमारे मेहमान खुसूसी हैं हजरत मौलाना इकरामुल्लाह मुजद्दी साहब। बिला ताखीर मैं इनको दावत खिताब दे रहा हूँ और खिताब के बाद इंशाल्लाह बच्चों के इनामात तकसीम होंगे। बच्चों की हौसला अफजाई आपने फरमानी है, इनके सरों के ऊपर दस्ते शफकत रखना है, इससे बच्चों के अंदर हौसला बढ़ता है। बच्चों की आपने यानी इनामात भी देखने हैं और आखिरी खुसूसी आपने बयान भी सुनना है, फिर उसके बाद इंशाल्लाह तमाम सामाइन के लिए आसान तरीके से खाने का इंतजाम भी किया गया है। भरपूर नारों की गूंज में दावत खिताब दे रहा हूँ। खतीब नुक्तादा मुकर्रर शीरी बया मुकर्रर शोला बया नौजवानों के दिलों की धड़कन हर दिल अजीज शख्सियत बयक वक्त खतीब भी है नकीब भी है शायर भी है नात खा भी है शीरी बया भी है शोला बया भी है। अल्लाह ने बहुत सारी सलाहियतों से नवाजा है। भरपूर नारों की गूंज में दावत खिताब दे रहा हूँ हजरत मौलाना इकरामुल्लाह मुजद्दी साहब को। नारा तकबीर भरपूर आवाज से भाई नारा तकबीर शान मुहम्मद मुस्तफा मकाम मुहम्मद मुस्तफा ताजदार खत्म नबुव्वत शान सहाबा नाम सहाबा मकाम सहाबा इज्जत सहाबा अजमत सहाबा किरदार सहाबा उशाकान सहाबा गुलामान सहाबा हजरत मौलाना इकरामुल्लाह मुजद्दी नारे तकबीर صلی ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وللآخرة خیر لک من الاولى صدق الله العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدین وشاکرین والحمد لله رب العالمین رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آپ اپنا نصیب ہو جاؤ دوستو خوش نصیب ہو جاؤ اگر خدا کے قریب ہونا ہے تو مصطفیٰ کے قریب ہو جاؤ مرنے کی طرف دیکھ न जीने की तरफ देख जब चोट लगे दिल पर तो मदीने की तरफ देख जद रोजा हजूर तसव्वुर विच आ जांदा बुवे अखियां दे अदब नाल मैं पीड़ लेना यादां ओदियां दर्द जो देंदियां ने मैं उन्हां विचों एक कैफ नखेड़ लेना निस्बत पाक मदीने तो जा सदके दुख जिन्ने भी होन नबेड़ लेना ते जदो मैनू सुकून दी लोड़ पैंदी ते मैं जिक्र हजूर दा छेड़ लैना। काबिले सदे एहतराम वाजिबुल एहतराम दोस्तों और बजुर्गो साडा कलमिया है अजकल असी प्रोग्रामां दे विच ना नात खान भी मर्जी दे रखे ने ते मौलवी भी मर्जी दे रखे ने जो नात खान गया तो समझो नाल वो बंदा भी मेरी मर्जी का मौलवी जो मौलवी गया तो नाल मजमा भी ठीक है। लेकिन ठीक है हर बंदे की अपनी चॉइस अपनी पसंद होती है बंदा किसी की चॉइस से या किसी की पसंद के उत्ते कोई कदगन नहीं लगा सकता। हजरत जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह अपना एक वाकया नकल करते हैं और उन्होंने कहा कि मैनू रज़ाए इलाह जड़ी है ना एक नाई दे कोलों मिली अजाम दे कोलों मिली और किमें मिली
कि मेरे उस्ताद कहन लगे कि जा फलां हजाम दे कोल और अपने बाल छोटे करवा के आ। कहंदे कि मेरे को पैसा नहीं है, मैं हजाम दे कोल गया तो मैं उसनु जाके कहा कि अल्लाह दी जात वास्ते ना मेरे वाल कट दे, अल्लाह दी रजा वास्ते। हालांकि पहले वो कहते ने कि बाल कट रहा सी, लेकिन उन्हें फौरी तौर पर हटा के ना मैनू बिठाया। उन्हें अगर जिंदगी विच पहली बारी कोई अल्लाह वास्ते आया है, अल्लाह दी रजा वास्ते आया। कहते ने मेरे दिल दे विच ख्याल सी कि जिस दिन भी मेरे को रकम आई, मेरे को पैसे आए, मैं ये पैसे जरूर वापस लुटावांगा। वक्त गुजरिया, मेरे को पैसे आए, मैं उस हजाम दे कोल गया, उसनु जाके वो पैसे देन लगा। तो उस हजाम ने बड़ी वड्डी गल कही, कहन लगा बड़ा जुनेद बगदादी बनिया फिरना है, बड़ा सूफी बनिया फिरना है, क्या तेनू इस गल का पता नहीं जेड़ा रब दी रजा वास्ते काम करी ओदी कदी कीमत लई दी। तो मैनू उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कोई अपने मौलवी वास्ते आया, कोई नात खां वास्ते, कोई नकीब वास्ते, कोई महल्लेदारी वास्ते, किसी के पुत्र नू इनाम मिलना है ओदे वास्ते। लेकिन मैं गल करनी है और हुण भी उहनां वास्ते करन लगा जिहड़े रब वास्ते आए थे। उच्ची जरा थोड़ा जिहा, जिहड़े अल्लाह दी रज़ा वास्ते आए ने। और मैं कोई मजमा बहुता होवे ते तां इक बंदा भी होवे ना ते दिल वाला बैठा होवे। जदो मेरे आका मदीने गए ना ते सारे दा सारा मदीना इस्तकबाल करन वास्ते मदीने तो बाहर आया सी, लेकिन एक मदीने विच सिर्फ सी जेड़ा झोपड़ी अपनी दे विच यार दी याद लैके कल्ला ही बैठा होया सी। ते रब ने उठनी भी जाके ओदे दरवाजे ते बिठा दित्ती सी, कोई पता नहीं। मैं कोशिश करांगा कि सिर्फ 10 तो 15 मिनटां दे विच विच, क्योंकि इस टाइम तुहाडा जिहड़ा स्टैनमा मैं उहदे ते मुसल्लत नहीं होना चाहुंदा, क्योंकि अजकल एक गल बड़ी मशहूर हुई इन्होंने कि जी मौलवी स्पीकर ते बह जाए ते जनानी ब्यूटी पार्लर च वड़ जाए, इंज गल है नहीं निकलती। मौलवी भी आंदा भी अज मैं ना हुण अपनी सारी दी सारी खिताबत जिहड़ी है ना इत्थे ही छुट के जानी है। वो बंदा पुछे अगली बारी नहीं आउणा, रबीउल अव्वल दा महीना है। गल करनी है सिर्फ और सिर्फ कि इस रबीउल अव्वल दे महीने दे अंदर चाहे कोई देवबंदी है, चाहे कोई बरेलवी है, चाहे कोई अहले हदीस है, हर बंदे ने अपने अपने ज़ौक, अपने अपने अकीदे और अपने अपने नजरिए दे नाल आका दे नाल मुहब्बत का इजहार किया। गल बन जानी ठीक है ना।
तो मैं अर्ज कर रहा सा कि हर बंदे ने आका दे नाल मुहब्बत का इजहार किया। लेकिन एक गल कहना चाहना यार, ना देवबंदियां दी करन लगा, ना बरेलवियां दी करन लगा, ना अहले हदीसां दी करन लगा, गल ओदी करन लगा जिन्हों आमना दा चन कहंदे ने। गल ओदी करन लगा जेड़ा तोड़न नहीं आया, जोड़न आया सी। जेड़ा दूर करन नहीं सी आया, नेड़े करन आया सी। और उन्हें फिर इन्ना को नेड़े कीता, इन्ना को नेड़े कीता, वो जेड़े एक दूजे ते तलवारां ताणदे सन ना, खुदा दी कसमे उन्हां तो बगैर पानी भी नहीं सन पींदे। लेकिन साडा अज दा अलमिया है, फर्ज कर लो साडा कोई बंदा उस मस्जिद च उड़ जाए, कोई नौजवान दूसरी मस्जिद जाके नमाज पढ़न चला जाए, इस मस्जिद वाला वेखेगा ते उस बच्चे नू उस नौजवान नू आखेगा, ओए तू इधर की लैन आया सै? वो कहेगा मौलवी जी नमाज पढ़न। कहंदा तेनू पता नहीं इन्हां पिछे होंदी, तवज्जो करे जे मैं कुछ कहना चाहना, लेकिन मेरी चंद लम्हयां दी तमहीद। वो कहंदे के इन्हां पिछे नहीं होंदी, उन्हें कहा यार मौलवी आखन डिया आ, गलत नहीं आंदा मौलवी साहब ने मुसल्ले ते खलोंदे ने, ये किवें हो सकदा कि गलत हो गया। उन्हें आखा चलो छड्डो ने, इधर नहीं तो उधर लगे जाने। वो दूजी डर गया, हुण उन्हें वेख लिया, उन्हें आखा इधर की करना आया सी, आंदा मौलवी जी नमाज पढ़ना, आंदा तैनूं पता नहीं जिहड़ा इन्हां पिछे पड़े उन्हां दा निकाह ही टुट जांदा है। ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਇੰਜ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਮਹਿਫਲਾਂ ਤੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ, ਬਿਆਨ ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਆ ਮਿਲਾਦ ਤੋਂ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਝੰਡੇ ਤੋਂ ਲਗਾ ਰਹੇ, ਝੰਡੀਆਂ ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਸਜਾ ਰਹੇ, ਦੇਗਾਂ ਤੇ ਪਕਾ ਰਹੇ, ਨਾਰੇ ਤੇ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਓ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਮਕਸਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਓ ਗੱਲ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਨਾ ਦੇਗਾਂ ਨਾਲ, ਨਾ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ, ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ, गल ओदू बननी है और जिदू जो मकसद लेके आया तेरे विच भी आ जावे, मेरे विच भी आ जावे। मौलवी साहब मिंबर ते बैठ के तकरीरां करनगे, चलो मशहूर वाकया, मैं अपने मतलब की गल करनी है यार, तुसा सुनिया होगा, आका जा रहे ने, अगे एक ना माई बैठी हुई गठरी बन के, मेरे वास्ते यार भोरा जी ला दियो, चलो मैं भी तुहाडे जिले दा ही। आका कोलो लंघे, मैं उस बंदे नूं इह गल कहना चाहना जिन्हां दा ऐ उन्हां पिछे नहीं हुंदी, उस मसीते नहीं हुंदी, उस मसीते नहीं हुंदी, उत्थे नहीं हुंदी, फलानी जगह ते नहीं हुंदी। मैं कहा सानूं दस कोई जगह छड्डेगा विक नहीं, बस यही पक गया कि ना उधर ना उधर ना उधर। मैं क्या, मैं तेनू दसना कि मिम्बरां ते बैठ के कई बार सुन लिया कि आका दा कोलू गुजर होया ते आका वेख के कहंदे ने अम्मा खैर नाल बैठी है, अम्मा खैर नाल बैठी है। अम्मा की कहंदी है, कहन लगी मैनू पता लगा ए इत्थे इक जादूगर आया ए, इत्थे कौन आया रौले अंदर आज भी इंज दे जे इंज दे ना, इत्थे इक जादूगर आया ए जेड़ा ओनू वेख लैंदा ए ओ फिर अपना नहीं रहंदा ओदा बन जांदा ए।
इस वास्ते समान बन ले आए गठरी बन लई ए गठरी चुक के मक्के टुर चलिया ओदी नजर मेरे ते ना पै जावे मैं किधरे अपने प्यो दादे दादी ना छड़ जावा किधरे प्यो दादे दी ए जेड़ा मकसद ना छड़ जावा मैं टुर चलिया अम्मा किथे जानाई अग्या वे पुत्रा पेके चलिया इस वास्ते के ओदी नजर ना पै जावे ओ तवज्जो कर ओ जेड़ा कहंदा ए एदे पिछे नहीं होंदी ओ मैं क्या लोगो कुछ ते ख्याल कर नबी दा मकसद जान ला नबी दे मिलाद दा मकसद ते वेखना मेरे नबी दा मकसद की ए ओ अज कलमा भी एक होवे अज कुरान भी एक होवे अज नमाज भी एक होवे खुदा भी एक होवे नबी भी एक होवे लेकिन एक दूजे दे अज नेड़े नहीं लगदे ए अम्मा मोमन नहीं हो काफरे मेरे आका ने ओदी कटरी चुक लई ए चलो फिर मैं भरा वेख्या मैं चलो गल बने फिर अपने लमाद मैं जुतियां सीधिया करने वाला मैं क्या भी चलो इंतजाम वाले जिन्ना करवाण वाले जो किया बाद निबड़ लागे आहो अपने भरावान तो गल करिए तो मैं अर्ज कर रहा सर मेरे आका कर सी चुक लिया यार आज मैं एक सवाल कर लगा मैं कहना सुनिया कवो सुभान अल्लाह मैं अर्ज कर रहा सा मेरे आका गठरी चुक लई तवज्जो करी मैं की कहना चाहना वा मैं कहना आका अज कोई किसे दिया गठरिया नहीं चुकदा सुनिया गठरी को चुक लईए तवज्जो करी तवज्जो करी अगर किसे नो अगर समझ आ जावे हुण सुभान अल्लाह कह देवे जदू समझ आ जावे उदू कह देवे मौलाना मेरा विजदान मेरा तसव्वुर मैनू इंज लगदा वे मेरे आका कहंदे ने आ मैं दसा मैं गठरी क्यों चुकी है जी सोनिया क्यों चुकी है आका कहंदे ने मैं दसना चाहना वा जेड़े मेरे होणगे ओ जेड़े मेरे होणगे ओ गठरियां चुकदे रहणगे मैं क्या सुनिया किवें करके फिर आ तेनों दसा अज मैं वेख्या इन्ना ने गठरियां चुकियां ने कोई तीन दिन जांदा पिया कोई दस दिन जांदा पिया कोई चाली दिन जांदा पिया कोई चार महीने जांदा पिया है मैं क्या क्यों जा रहे हैं कहंदा है आका ने चुकियां ने आका ने चुकिया ने इस वास्ते चुक लिया ने मेरे आका जा रहे ने हुण मकाम आ गया गठी रख दिती है मेरे आका चल पाए मेरे आका पलटे हुण अम्मा की कहंदी है वे पुत्रा ठहर
ते जाना जरा दस ते सही ना तू कौन है। लुट लुट के साडे ते प्रेशर साडे ते तनखावां साडे टैक्स दियां सारा कुछ साडे टैक्स दा ते प्रेशर भी लेकिन इनो आमना दा चन कहंदे ने हुण मेरे आका बोले हुण मेरे आका बोले ते की कहंदे ने कहंदे ने अम्मा मैं ओई मुहम्मदा जिदी वजह तो मक्का छड़े आई है हुण अम्मा की कहंदी है वे पुत्रा जरा चेहरा भी खाना मैं अज भी कहना वा ओ प्यो बंदियो ओ बरेलवियो ओ एलदीसो ओ चिश्तियो ओ कादरियो नक्शबंदियो सोरवर्दियो एनका नफरतियां ला के देखोगे सारे मोमन नजर आउणगे। मैं कहना ला यार एनक जरा और जो एनक लाएगा ना तो फिर कसम खुदा पाक दी आखेगा कि कसम खुदा दी मेरा ईमान हसी जमाना हजूर दाए कसम खुदा दी मेरा ईमान हसी जमाना हजूर दाए मैं जिलो बेना मैं इनू बेना मैं ओनू बेना मैनो ते लगदा के ए दीवाना हजूर दाए मेरे आका दी महफिल विच आन वाले तुसी आखोगे मुजद्दी साहब सानू की मिलेगा मैं क्या दसना चाहना वा जदों भी महफिल सोने दी सजदी फलक ते कुदसी पुकार देने
ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਹਿਫਿਲ ਸੁਣੇ ਦੀ ਸਜਦੀ ਫਲਕ ਤੇ ਕੁਦਸੀ ਪੁਕਾਰ ਦੇ ਲੈ ਤੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੁਬਾਨਾ ਤੇ ਅਜ ਤਰਾਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਏ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੇਰਾ ਇਮਾਨ ਹਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਏ ਅੰਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਚਿਹਰਾ ਵਿਖਾਣਾ ਅੱਜ ਐਨਕ ਲਾ ਛੱਡੀਏ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਨਾ ਅੰਮਾ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਏ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਈ ਲੋਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਿਓਬੰਦੀ ਜੇ ਨਾ ਇਹ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨੀ ਮੰਨਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਮੰਨਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੀ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪੀਵੋ ਪੁਣ ਕੇ ਤੇ ਪੀਰ ਫੜੋ ਦੇਖਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੀਰ ਆਖੀਏ ਨਾ ਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਆ ਹੋਵੇ ਰੁਲਿਆ ਵਦਾਏ ਰੁਲਿਆ ਵਦਾਏ ਓਏ ਭੁਲਿਆ ਵਦਾਏ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰੇਗਾ ਇੱਕੋ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇਂਦਾ ਇੱਕੋ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇਂਦਾ ਰੁਲਿਆ ਵਦਾਏ ਫਿਰ ਆ ਗੱਲ ਸਮਝਾਣੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਮਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਏ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪੀਰ ਮੇਰ ਅਲੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਪੀਰ ਮੇਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਅੰਮਾ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਿਆ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਖਾ ਇਸ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਜਾਨਾ ਕਾ ਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾਨਾ ਕਾ ਸੱਚਿਆ ਕਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਨਾ ਕਾ ਜਿਸ ਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਾ ਸਭ ਬਣੀਆ ਹੁਣ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲ ਮਾ ਅਹਸਾਨਾ ਓ ਰੁਚੀ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਆ ਨਬੀ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੋਲ ਓਏ ਆਸ਼ਿਕ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲ ਦੀਵਾਨਾ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲ ਮਾ ਅਹਸਨਾ ਕਾ ਮਾ ਅਜਮਲਾ ਕਾ ਮਾ ਅਕਮਲਾ ਕਾ ਕਿੱਥੇ ਮੇਹਰ ਅਲੀ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਸਨਾ ਗੁਸਤਾਖ ਅਖੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਲੜੀਆਂ
मुसलमान भी नहीं चुकते पे। क्या फायदा बाबा अगर उस नबी का जिक्र तो किया लेकिन उस जिक्र के बिचू वो जिक्र ना किया जेड़ा मकसद सी। आज असि आशिक साहबी उन्होंने लंबे लंबे बाल उन्होंने पूछा तू बाल क्यों नहीं कटांदा कहंदे ने जिस दिन असि पहले दिन आए थे सोने जिथे सोने का हाथ लग जाए मेरा दिल नहीं करता कैंची लावा। बाबा अज कोई डॉक्टर होगा ना तो उन्होंने भी दलील देनी पैंदी उन्होंने आखोगे ओ तू डॉक्टर है हां अपना बखा की कि तेरे को सनद डॉक्टर दी है। कोई इंजीनियर बने तो उन्हें भी कोई ना कुछ बहाना ड्राइवर हो तो उन्हें लाइसेंस बहाना। असा एडा इश्क सा आशिक बनना एडा ही सौखा समझ लिया जेड़ा मर्जी आवे वो आशिक दी सीट ते बवे ते चौड़ा होके फिर वो किसी होर नूं मनदा भी नहीं क्यों बोलना आंदा बस मैं ही होना। मैं कह यार इना महदूद ना कर इना घुट के ना रख वो बढ़िया शाना वाला है फर्श से यकीन जानो तुहाडा हाल देख के मेरा दिल करदा दौड़ ला है फर्श से अरशे परी चर्चा मेरे सरकार का है फर्श से अरशे परी चर्चा मेरे गूंज पा दियो यार थोड़ा जा ला दियो पूरा जा जोर यार है फर्श से अरशे परी चर्चा मेरे सरकार का हैरान है हैरान है सब देख कर रुतबा मेरे सरकार का अल्लाह तुहानू मदीने ले जाए बंदा मदीने तो वापस आवे मदीने तू वापस आवे हुण ओ जेड़ा मदीने हो के आया है ओनू कोई आखे आ चल यार मरी चलिए आ यार नराम का गान चलिए आ नहीं नहीं तेनू सवाब दिया वादियां दिखावा तेनु जील सैफुल मलूक वखावा लेकिन जरा आ जरा मोहब्बत रख के मेरी गल सुनी लेकिन ओ जिन्ने ओ वेखे आए जिन्ने ओ सबज गुंबद वेखे आए हुण ओ की आखेगा के दुनिया की सब रंगीनियां आंखों में किसी लगने लगी ओए दुनिया की सब रंगीनियां आंखों में
की सी लगने लगी है जिसने भी देखा एक नजर रोजा मेरे सरकार का हैरान है सब देख कर रुतबा मेरे जो मसीते को मुंडा आ जाए ना नमाज तू किधर अच्छा अज तू ही आया हो बड़िया नमाजा शुरू कर छड़िया चंगा अज तू बाद नहीं आता गल है बाबे अल्लाह तुम मदीने लै जाए उथे तुसी खुश रहो मसीते मौल भी खुश रह एक बाबा जरूर होंदा जिन्हें मौलवी नूं अगे लाया वो सारे आंदे ने पिछे सी इमाम दे मैनू अज समझ लगी है जदों आंदे ने पिछे सी इमाम दे लै मौलवी हुण तेरी खैर कोई नहीं ठीक है मैं ना वो तुहाडे 40-40 हज़ार रुपया तनखा ते जदों आउणी ना 20 तरीक लै हुण 10 दिन किवें कढ़ने ने मस्जिद क्लीन बदल जाएंगे टाइलां बदल जाएंगियां पखे बदल जाएंगे लाइटां बदल जाएंगियां नहीं बदलने ते मौलवी दे मुकद्दर नहीं तो मैं अर्ज कर रहा सा मौलवी खुश रखिया करो अल्लाह की कसम मौलवी खुश तो तुसी भी खुश ठीक है ना वो मैं मंडी बावल दीन गया वो जो नहीं वो चार बच्चे बेचारे मौलवी साहब दे वो दी बेगम भी वो दे बच्चे भी वो मैं उसे लाके तकरीर करन गया मैं कह के आया मैं कह ओ मस्जिद यो खजानची यो मैं कह कसम खुदा पाक दी कल क्यामत वाले दिन मासूम बच्चियां दे हाथ होंगे तुहाडे गिरेबान होण मुजद्दी साहब नूं अपने को रखना ओ मैं कहा तुसी रहन दिओ नहीं जी रखना दाड़ी मुन्ना जिहा मैं दुआ कानून सुना मौलवी जी ये की हिसाब है सदर बना दियो ठीक है ना यार मैं अल्लाह की कसम मजाक च गल दुखे च गल कर
अगली गल जी है ना, अच्छा जे मौलवी बेचारा भी चंगे कपड़े पा ले, पता करो जे साइकिल ले ले, अच्छा भी मौलवी साइकिल भी ले लेंगे जी, जे ले ले मोटरसाइकिल, ये कोई ना अलहदा काम करता जे, तो जिदन मौलवी गड्डी ले ले फिर पूरी इंतजामिया बह के आंदी है पता करो करता की, और मौलवी पीछे ना लग जाए, अल्लाह की कसम ए सोखी तो तुसी भी सोखी, ठीक है ना। तो मैं अर्ज कर रहा सा याद है ना, वो जन्नत जान गए तो जन्नती अगू पुछणगे तुसी किधरों, तो हुण वो की कहणगे, जहन्नम के जो हकदार थे जन्नत के वो वारिस बने, जहन्नम के जो हकदार थे जन्नत के वो वारिस बने, कैसे बने कैसे बने मौलाना कैसे बने, काम आ गया पिछले पार रोना मेरे सरकार का, हैरान है सब देख कर रुतबा मेरे सरकार का, अपनी जिंदगी दे विचों 14 साल 12 साल बचपन दे काट दे, बाकी कौन हर साल दा ब्यूटीफुल दा महीना होंदा, और हर मस्जिद च हर चौक चौराहे विच मौलवियां ने ना काम रखिया है, मैं आका दी विलादत बयान हो रही बाद उहदे विचों मैं सिर्फ एक छोटा जिहा पैरा कढ़ना कि आका दे दरवाजे ते कुछ दाइयां आईयां, सुनिया जे ना, ओ सुनी जे बोल इस बार अल्लाह दा मेनू की मतलब है की मैं तो आका दा सुनी जे ना, मेरे आका दे दरवाजे ते औरतां आईयां ने, आमना आईयां हां जी खैर, सानू पता लगाए लाल होया है तेरे वाल पुत्र रोया है, जी जी पुत्र रोया है, आख्या फिर असी बच्चे पालनिया वा यार, मैं मुख्तसर गल करना चाहना वा, आख्या सानू माल की मिलेगा, सानू माल की मिलेगा, मेरी वल तवज्जो करी ना, भावे कोई बरेलवी होवे भावे कोई अलदीस होवे भावे कोई दियोबंदी होवे, मैं सारिया दी गल कहना वा, कहंदे ने अम्मा की कहंदी है, नी मेरे कोलो माल पुछण वाली हो, नी मेरे कोलो आओ जे दादा पुछण वाली हो, नी जगीरा पुछण वाली हो, जिस दिन लाल मेरा पैदा होया मेरे घर विच आया है, मेरे घर इना कु तेल नहीं सी, मैं दीवा बाल लेंदी, मैं कहना रब्बा सोनिया एडा आला नबी एडा उच्चा नबी एडा सुचा नबी ए अजमता वाला नबी ए रिफाता वाला नबी ए मर्तबिया वाला नबी के जिदी जुल्फ आला ए जिदी आरुखसार आला ए जिदे बोल आला जिदा करदार आला जिदा लिबास आला जिदी महराज आला जिदी अजवाज आला जिदी बनात आला जिदी औलाद आला वे जिदा आना आला जिदा मक्का आला जिदा मदीना आला जिदा पसीना आला जिदा लिबास आला वे जिदा खाना आला जिदा सोना आला जिदा चलना आला जिदा बैठना आला जिदे इखलाक आला जिदा करदार आला जिदे अफकार आला वे जिदा मिशन आला वे जिदा आना आला, और जिदे यार भी
जिदे यार भी आला मैं कह रहा सुने ए आया है अम्मा कोल इना को तेल ते हुंदा अज दीवा बाल लेंदियां तवज्जो करी ओ नारो की वाले ओ मेरा विजदान अल्लाह कहंदा वे ओए खतीबा चुप कर जा अज मैं अगर एदी अम्मा कोल ए तेल मौजूद हुंदा अगर एदी वापार लेंदी कईयां ने कहना सी मैं कह रब्बा सुनिया बालन नहीं आया बुझान आया ए अल्लाह कोई दलील होवे अल्लाह कहंदा आतश कदा ईरान दा दीवा क्योंकि जिथे ए होवे उथे दीवियां दी लोड़ यार दिन भी चढ़िया होवे मैं लाटा बालना तो लोग आखना मौजूदी तेरा दिमाग ते ठीक जो हजी नूर वाला आ गया तो मैं फिर जो अम्मा ने इन्नी गल की थी है हुन मौलवी साहब कहंदे ने ओ आ गई जिदी डाची भी माड़ी जेड़ी आप भी जिदी कुल्ली भी ओ जिदी आप कबीला भी माड़ा अपना अपना असा काम सीधा करना असा ये वेखना किथे वाम हिंदी है अर्ज कर रहे हैं हुण ओ आ गई हां जी कौन मैं हलीमा वा बच्चे पालनिया ते मैनू पता लगा तेरे लाल होया ते लाल ते भी खा ओ जेड़िया पहला आया ओना लाल दी गल की नहीं कीती ओना माल दी गल कीती है हलीमा ने लाल दी कीती है मैं क्या तू माल ला के तू माल बखा के आशिक बन गया नहीं नहीं यारा मैं क्या तू क्यों आशिक अंदा वेख मेरी झंडी लगी मैं क्या तू झंडी ला के आशिक ओ मैं जंग भी ला के आशिक क्यों नहीं बड़े वेखे ने सोना पर एदे तो थले हलीमा जोली विच पा लिया
मैं बिल्कुल नेड़े पहुंच गया जिथे मैं जाना चाहता सी। हलीमा लैके टुरन लगी हां ते पिछू आमना ने आवाज दिती, हलीमा की लवेगी? वो जड़ियां पहला आईया सन उन्हें की आख्या सी की दवेगी, हुण आमना पुछण डई है की हलीमा इंज करके जदू सुनी ते हलीमा पिछा पलट के आमना वल चेहरा करके आख्या होवेगा आमना तू देना की है असा तेरे कोल छड़िया की है चल नी उठ। हलीमा भी आखे उठ पर उठी कोई नहीं उठी। मैं कहना ओ मौलवी जी ए भी ते दसो ओ दियो बंदियो ओ बरेलवियो ते एल दिसो ओ महफला करान वालिया ओ झंडियां लवान वालिया ओ रस्ते सजान वालिया ओ नारे मरवान वालिया ओ देगा पकान वालिया ओ दस ना उठनी ए क्यों नहीं उठी। कहंदा नबी पीछे नमाज पढ़िया कर मौलवी जी दिल ही नहीं करदा प्रोफेसर ना छोटा जो उन्हें अपना वाकया लिखिया बयान किया वो कहता मेरी घर वाली बीमार सी ते मैं सुबह सुबह ना कॉलेज जाना सी यूनिवर्सिटी जाना सी मैं आख्या चलो मैं आप ही कपड़े इस्त्री कर लेना कहता मैं कपड़े इस्त्री कर लगा तवज्जो करी यार मैं बस गल मुकान लगा ते वो कहता मैं इस्त्री पे करा मैं ज्यों लगा इस्त्री मारन ज्यों लगा इस्त्री मारन वट ना निकला वट ना निकला कहता मैं बड़ा हैरान मैं अपनी बेगम को गया मैं उन्हें जाके कहा कि तू इसलिए करने ते वाट निकल देने मैं करा ते वाट वो आई गल आसे वाली नहीं जे हाँ तुझे भावे असर लग सो वो आई तो ने आके देखिया ना उन्हें स्त्री देखिया ती स्त्री ठंडी जो इन्हीं गल हुई ना दोनों पीछा देखिया ते सोच लगा अज तेरे मेरे दिला दे वट पे ने ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਸੋਚ ਮਦੀਨੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਓਏ ਸੋਚ ਲਾ ਲੈ ਜਦੋਂ ਆ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਸੋਚ ਨਬੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵੱਟ ਵੀ दो जगह आपने फरमाया मेनू सब तू पसंदीदा जगह केड़ी है हौली बोलिया जे कोई सुन ना लवे केड़ी है मस्जिद सब तू ना पसंदीदा आप अपनी ही अदाओं पे गौर करो हम कहेंगे तो शिकायत होगी तू मस्जिद ना सजाई तू बाजार सजाया जेड़ा ना पसंद सी तू ओदे ते मेहनत कीती जेड़ी पसंदीदा जगह सी ये बर्बाद होंदी चली गई।
اس ربیع الاول دے اندر ادے بقیا دن ہیں, آؤ اسی عہد کریے کہ انشاءاللہ تعالی مسجد آباد کران گے, نمازی بنا گے, ٹھیک ہے, آقا دے پکے دے سچے غلام بنا گے, ٹھیک ہے, اور ہر موڑ دے اوپر ہر جگہ دے اوپر آقا نو اگے رکھا گے. انہوں نے آکھیا سی حلیمہ چل یار تھوڑا جا کے ٹر پے, حضرت حلیمہ کہن لگی حارث لگدا ہی ایک خاص ہی اینو لے آ گیا, انج اگے اونٹنی ٹر پئی پجی 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 او جڑیاں راہ وچ سن پہلا گئیاں سن راج کھجل خراب, حلیمہ کولو لنگ گئی, سب تو اگے لنگ گئیاں. میں کہنا کیویں اگے لنگ گئیاں, کہندا مولوی صاحب تانوں پتہ نہیں ہے اونٹنی جدے تے نبی آ جائے او پیچھے نہیں رہندا, جدے تے نبی آ جائے او پیچھے, میں کیویں سمجھاواں جدے تے نبی آ جائے او پیچھے. او نبی تے صدیق دا اے پیار پہ گیا اے, او نبی تے صدیق دا اے پیار پہ گیا اے, صحابہ وچوں نمبر صدیق لے گیا اے, اوے مونڈیاں تے چایا جس اوے بار ویکھ لے کر کے صحابہ نال پیار ویکھ لے. صدیق نے کندیاں تے بٹھایا تے صدیق اگے لنگ گیا. او سنیو او دیوبندی بریلوی والے دیسو, خدا دی قسم دشمن بہت شاطر ہے, او تینو مینوں لڑانا چاہندا ہے, اس واسطے آ ہک پلیٹ فارم تے کٹھیاں ہو کے چھوڑے سارے دے سارے. تیری مولوی کول وی سوال کریا کر, مولوی جو مرضی کہہ چھڈے, انہاں کا کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے پھڑ پھڑ کے نا بے نمازیاں نو دو دے کے سٹنا, سارے آندے نے سبحان اللہ ڈاڈا تے او حال ہویا, تھوڑا ہوش پکڑ مولوی کے سوال کر, او تیرے سامنے کوئی بھی اگر گل کرتا ہے, لیکن میں ایک نقطہ تیرے سامنے رکھیا اس نو سوچ اندر ہوں, کیا کہ یار اگر حلیمہ ڈاچی تے بٹھاوے ڈاچی اگے لنگ گئی, سوچ اج میں تے تو پیچھے کیوں ہاں, ٹھیک ہے اسی او دے انہاں دے پیچھے چلنے پے ہاں, آج جڑے چاند تے گئے نے کتنا بے وقوف نوجوان ہے جدا سٹائل جدا لباس انہاں ورگا ہے جڑے چاند تے گئے نے. کہندا او مولویو تسی تے مسیتاں وچ رہن والے تھانوں کی پتہ ہوے دنیا چاند تے پہنچ گئی تسی ہجے تک مسیتے لگے پھردے ہو, میں کہ ہاں تو انہاں پیچھے جانا ہے تو باہر نکل کے یونیورسٹیاں پیسے لا کے گڈیاں لے کے تو ہجے تک انہاں پیچھے لگا جڑے چاند تے گئے نے, اسی مسلیاں تے بیٹھ کے اودے پیچھے لگے ہیں جدے قدماں وچ چن آ پایا ہو, اس واسطے آؤ میرے نبی نو اگے کرو ہر مسئلے دے اندر, ہر اپنے شادی اپنی غمی اپنے معاملات ہر موڑ دے اوپر آقا نو اگے کرو, کرو گے آخر تو پر دو صحباب دا حکم ہے اور میری عادت بھی ہے میری پسند, میں آقا دے اوپر کچھ نہ کچھ لیکن میں پڑھا گا کہ جدے وچ نبی دا بھی ذکر آ جائے صحابہ دا بھی آ جائے تے اہل بیت دا بھی آ جائے, ٹھیک ہے, ایک واری سارے درود پاک پڑھو جی, زہرا رسول دی بیٹی ہے تھکے پے زہرا
رسول دی بیٹی ہے عائشہ صدیق دی بیٹی ہے زہرا رسول دی بیٹی ہے عائشہ صدیق دی بیٹی ہے اے شجرہ ہی کو گردائے او جس گل تو من کر سڑدائے और जिस गल तो मुन कर सड़दाए जिस गल तो मुन कर सड़दाए पहले कलमा सिद्दीक ने पढ़े आए पहले कलमा सिद्दीक ने पढ़े आए फिर लड़ महबूब दा पढ़े आए पहले कलमा सिद्दीक ने पढ़े आए फिर लड़ महबूब दा पढ़े आए ए ताबेदार हजूर दाए ओ जिस गल तो मुन कर ओ जिस गल तो मुन कर जेड़ा जेड़ा डरदा नहीं हाथ चुके कवे ओ जिस गल तो मुन कर ओ जिस गल तो मुन कर सड़दा ए भाई मुआविया मैं एक जुमला कहन लगा वा आ तेनू सुनावा मैं आ तेनू सुनावा मैं आका दिया दिया दा जैनब जहरा कल सो सुनी पाक रुकैया दा ओ जैनब जहरा कल सो सुनी पाक रुकैया दा ओ दिया हिल रसूल दिया नाले पहला हिल बतूल दिया इरशाद छवी सरकार दाए ओ जिस गल तो मुन कर सड़दाए जिस गल तो मुन कर ओ जिस गल तो मुन कर सड़दाए जिस गल तो मुन कर सड़दाए हिन पुत्र जो जहरा दे हैदर दी निशानी है अम्मा ऐशा लोगो हुसनैन दी नानी है अम्मा ऐशा लोगो हुसनैन दी नानी है जिदा नाल हर सुन्नी आल दा पर्दा है हर सुन्नी आल दा पर्दा है जिदा नाल के दिल ठरदा है जिदा नाल के दिल ठरदा है जिदा नाल के दिल ठरदा है जिस गल तो मुन कर ओ जिस गल तो मुन कर ओ जिस गल तो मुन कर सड़दाए जिस गल तो मुन कर दो शेर एक कह कहन लगा अगे एदी गल कीती सी हुण एदी करन लगा ते जेड़ा हुण भी चुप रहे ना क्योंकि आंदे ने किसे दा ईमान चेक करना होवे ना तो ओदे सामने उमर दा नां लवो मैं हुण वेखना केड़ा केड़ा हाथ इंज करके थले रखदा जदू काबे विच दाखिल हो जदू काबे विच दाखिल सोना उमर जो होया तवज्जो तवज्जो हो जदू काबे विच दाखिल सोना उमर जो होया उदू मक्के विच यारो सारा कुफर भी रोया उदो मक्के विच यारो सारा कुफर भी रोया जिते हाजी हज बज कर देने नाले रोके दुआवा मंग देने ए सारा फैज उमर दाए ओ जिस गल तो मुन कर
सड़दा है जिस गल तो मुन कर सड़दा है जिस गल तो मुन कर सड़दा है हक चार दे नारे दी दुनिया ए दीवानी है हक चार दे नारे दी दुनिया ए दीवानी है लुधियानवी फारूकी आजम दी निशानी है लुधियानवी फारूकी आजम दी निशानी है हक चार दा नारा लाना है दुश्मन ताई पहचाना है ए मिशन मेरे जंग वीदा है ओ जिस गल तो मन कर सड़दा है